स्वागत है आपका। प्रहार में अब बात करेंगे यूपी के कानपुर की, जहां रोड रेज का एक मामला सुर्खियों में है। चूंकि ये मामला बीजेपी नेता से जुड़ा है, तो इसे लेकर योगी सरकार से भी सवाल पूछे जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पूछा जा रहा है कि क्या गुंडागर्दी करने वाले बीजेपी नेताओं पर भी एक्शन होगा, क्या उनके घर पर भी बुलडोजर चलेगा, या ये कार्रवाई सिर्फ दूसरे लोगों पर होगी। केस इतना गंभीर है कि पीड़ित को कानपुर से दिल्ली लाना पड़ा, लेकिन आरोपी अब तक पुलिस के हाथ नहीं लगा है। आखिर ये मामला क्या है और अपने किस नेता की वजह से बीजेपी सरकार मुश्किल में फंसी है, ये सब देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। उनकी सारी लाइफ खराब कर दी है वहाँ पे। वो जब उन्होंने उनको मारा तो वो अपनी आँख ढूंढ रहे थे गाड़ी के अंदर कि मेरी आँख खो गई है। हम वहाँ पे उनकी आँख ढूंढ रहे थे। गुनीत भाटिया जी के दर्द को समझा जा सकता है। सत्ता के नशे में चूर एक शख्स ने उनके पति की ऐसी हालत कर दी कि वो जिंदगी में कभी आगे देख भी पाएगा या नहीं, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। गुनीत भाटिया के पति अमोलदीप भाटिया को इतनी बुरी तरह पीटा गया कि आप भी इन तस्वीरों को देखकर सिहर रहे होंगे। आप सोच रहे होंगे कि कोई पुरानी रंजिश रही होगी इसलिए इतनी बुरी तरह पीटा होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये रोड रेस की मामूली सी घटना थी। लेकिन सिर पर नशा चढ़ा था सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी की पार्षद सौम्या शुक्ला के पति होने का, इसलिए एक शख्स को उसकी पत्नी के सामने ही पीट पीट कर अधमरा कर दिया। पार्षद के पति अंकित शुक्ला इस बात से नाराज थे कि उनकी गाड़ी को साइड नहीं दी गई। ये रात को 12 बजे की बात है, हम अपने फ्रेंड के घर से डिनर करके निकल रहे थे, जीटी रोड में जा रहे थे, तो हमारी गाड़ी के पीछे एक गाड़ी थी जो हूटर उन्होंने चलाया हुआ था और हॉर्न पे हॉर्न मारी जा रहे थे, बट हम उनको साइड नहीं दे पा रहे थे क्योंकि हमारे बगल में ट्रक चल रहा था और आगे भी गाड़ियाँ थी। फिर वो हमको लेफ्ट से ओवरटेक करने लगे। जब लेफ्ट से ओवरटेक करने लगे तो मतलब बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी करने लगे, कभी इधर इधर उधर हमारी गाड़ी का, तो हमने गाड़ी रोक दी। जब गाड़ी रोकी तो उन्होंने सीधा हमारे जीप के आगे आके गाड़ी खड़ी कर दी और सारे उतर के सीधा मेरे हस्बैंड के पास आ गए और कहने लगे कि सरदार जी आपने क्या थार रखी हुई है, तो क्या आप गाड़ी नहीं रोकेंगे क्या? तो इन्होंने बोला जब साइड मिलेगा तो तभी मैं जाऊंगा ना, उड़ के थोड़ी ना चला जाऊंगा। बस इतनी सी बात में उन्होंने उनका पहले चश्मा उतार के फेंक दिया, पगड़ी उतार के फेंक दी, उसके बाद उनको मारना चालू कर दिया। मैं उनको रिक्वेस्ट कर रही हूँ, हाथ जोड़ रही हूँ कि प्लीज़ छोड़ दीजिए, सॉरी अगर हमने गलती कर दी। हमने गलती करी भी नहीं थी, बट हमने बोला सॉरी हमने गलती कर दी, आप उनको छोड़ दीजिए। बट उन्होंने नहीं छोड़ा, उन्होंने पहला पंच उनकी आईज में मारा कि उसके बाद वो कुछ कर ही नहीं पाए और उसके बाद वो सिर्फ उनको मारते रहे 10-15 मिनट तक। गुनीत भाटिया कह रही थी कि साइड में ट्रक चल रहा था, साइड देने के लिए जगह नहीं थी। आज हमारे संवाददाता विशाल प्रताप सिंह भी उस स्पॉट पर गए जहां ये दरिंदगी हुई। यही वो जगह है जहां रोड रेस की घटना हुई। आप देख सकते हैं कि रोड भी बहुत चौड़ी नहीं है, इसके अलावा रोड साइड में काम भी हो रहा है। जाहिर है ओवरटेक करने के लिए अंकित शुक्ला को थोड़ा इंतजार करना पड़ा होगा और कुछ सेकंड के इंतजार ने ही उनके दिमाग का पारा इतना चढ़ा दिया कि जीप से उतर कर अमोलदीप भाटिया को बुरी तरह पीटा। साथ में बाउंसर्स भी थे, जबकि ये पति पत्नी अकेले। मदद के लिए पुलिस को भी बुलाया, लेकिन पुलिस के सामने भी वो इन्हें पीटते रहे। मेरे हस्बैंड की तरफ गए तो मैं उतर के उनकी वाइफ के पास गई कि रिक्वेस्ट करी थी प्लीज उनको छोड़ दीजिए, हमने कुछ नहीं करा है, हम सॉरी कर रहे हैं हम, लेकिन उन्होंने नहीं सुना हमारी कोई बात, बस वो उनको सिर्फ मारते रहे। काफी भीड़ भाड़ वाली जगह थी, बाकी लोग नहीं आए, सब लोग खड़े थे वहाँ, सब सिर्फ वीडियो बना रहे थे वहाँ, कोई कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ वहाँ पे खड़े होकर सब तमाशा देख रहे थे और वीडियो कर रहे थे बस। पुलिस आई मौके पर, कंप्लेंट किया आप लोगों? पुलिस आई बट पुलिस ने कुछ नहीं करा। मैंने अपने ब्रदर को तुरंत फ़ोन करा, गाड़ी में से फ़ोन किया, मैंने स्पीकर पे फ़ोन करके किया कि ताकि वो मेरा फ़ोन ना छीन ले। मैंने स्पीकर पे फ़ोन करके इसको फ़ोन किया कि तुरंत आओ, मैंने उसको बोला मैं सिटी क्लब के सामने हूँ, फटाफट ये पहुँचा, इसको भी मारा है, मेरे जीजा जी थे उनको भी मारा है, मतलब वो उनको पुलिस का भी डर नहीं था, पुलिस खड़ी थी वहाँ पर, बट वो सिर्फ इतने मतलब क्या थे वो लोग कि उन्होंने मतलब सब हमारी सब खराब कर दिया हमारी। अब सवाल ये है कि आखिर अंकित शुक्ला इतना बेखौफ क्यों था कि उसने एक महिला के सामने ही उसके पति के साथ हैवानियत को अंजाम दे दिया। तो इसकी वजह है सत्ता का गुरूर। अमोलदीप भाटिया को पीटने वाले अंकित शुक्ला कानपुर के वार्ड नंबर 95 यानी यशोदा नगर इलाके की पार्षद सौम्या शुक्ला के पति हैं।
सौम्या शुक्ला बीजेपी की पार्षद हैं। कानपुर में मेयर बीजेपी का है। कानपुर की 10 में से 7 विधानसभा सीटों पर विधायक बीजेपी के, कानपुर में सांसद बीजेपी के। जाहिर है जिस शहर में बीजेपी का इतना असर है उस शहर में बीजेपी पार्षद का पति भी खुद को सरकार से कम नहीं समझेगा। यूपी विधानसभा के स्पीकर सतीश महाना के साथ भी अंकित शुक्ला की कई तस्वीरें हैं जिसमें वो खुद को स्पीकर का खासम खास दिखाने की कोशिश कर रहा है। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी अब रोड रेज में मारपीट की इस घटना को एक बड़ा मुद्दा बना रही है। अमोलदीप भाटिया की माँ और बहन से समाजवादी पार्टी के विधायक मोहम्मद हसन रूमी ने मुलाकात कर उन्हें इंसाफ दिलाने की मांग की। मेरा बेटा, हम कहेंगे भगवान ने उसको बहुत ठीक किया, क्यों कल को उनके कुछ और भी हो सकता था। वो तो अपनी तरफ से मार के चले गए थे, वो तो मरा हुआ छोड़ के चले गए, वो तो मरा हुआ छोड़ के गए। लेकिन एम्बुलेंस पे दिल्ली लेके तुरंत हमने भेजा, इस समय उस समय तो हमें समझ ही नहीं आया है कि हमने उसको यहाँ रखना। क्राइम की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट चैनल यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना न भूलें। सावधान रहें, सुरक्षित रहें, देखते रहें इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट।